अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। बेटा कैमरा चल रहा है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? कैमरा बंद कर, अब पाँव भी चूमो फटाफट। उस्ताद मोहतरम पाँव नीचे। उस्ताद मोहतरम बारबेक्यू का सीन है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहते हैं कि इसका इफ्तिताह आप ही करें, अपने मुबारक हाथों से कोयले शरीफ जलाएं, आप आ जाएं। ये मैं काबिल एहतराम हूँ? सब में जलील वाला काम मुझे दे दिया तुमने, कोयले जलाना। पता है कितना टाइम लग जाता है? तीन तीन चार चार घंटे लग जाते हैं, कोयले जलते नहीं दे रहे होते। यहाँ सिर्फ मैं बैठ के फोड़ने के लिए आया हूँ, कोई काम नहीं करूंगा, एक भी काम नहीं करूंगा। अगर देनी है इज्जत तो दो, वरना घर जा रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ। मतलब आए आए आए, कोई काम नहीं करना, आप सीखे बदले बस। क्या कर रहे हो? सारा कुर्बानी का कुछ एक ही सीख में डाल दो क्या? ये जो आपने कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, वो क्या आपके बारे में बोले? एक ही सीख में मुझे डाल दिया सब। बेटा ये शरण जायज नहीं है, छह से ज्यादा बोटी नहीं डाल सकता। अगर छह से ज्यादा आपने एक भी बोटी डाली, एक एक लुकमा आपके लिए हराम हो जाएगा। मरने से पहले ए बारबेक्यू के शोदाई कर ले इस बात पर गौर, एक सीख में बहुत सारी बोटियां लगाना और है, और छह बोटियां लगाना। क्या बात है उस्ताद, क्या बात। उस्ताद मोहतरम बोटियों का तो आपने बता दिया, छह लगानी है। टिक्को का बताएं, टिक्के कितने लगेंगे एक सीख में, उसकी क्या शरीर हैसियत है? एक सीख में ना दो टिक्के लगेंगे, अगर उसके अलावा अगर आपने एक भी लगाया, चाहे डेढ़ क्यों ना लगा, क्या दो से जाहिद लगा दी तो आपके लिए शरण जायज नहीं होगा। दो से ज्यादा नहीं लगा सकता। उस्ताद मोहतरम एक सीख में दो टिक्के, ये तो मेरा बाप भी नहीं लगा सकता। बेटा मैं तुम्हें बता दूं, ये जितनी बोटियां भी मैं बना रहा हूँ मैं ही खाऊंगा, किसी ने एक भी लुकमा खा लिया ना इसमें से तो तुम्हारी हालत होगी ना फिर उसके बाद, समझ जाओ तुम। खाऊंगा सारी बोटी बारबेक्यू के करम से, अरे देखो तो स्टूडेंटों को खोते पे प्यार आए। दोनों हाथों को उठाओ, टांगे बिठाओ। ओ भाई बिलाल भाई, पर 500 रुपए आ रहा था नाम माद ने घोष दिए ना पैसे दिए। हमाद बेटा इधर आ जाओ। उस्ताद मोहतरम इसी के हवाले से सवाल करना था, ये जो बारबेक्यू में लड़के करते हैं परेड फिक्स कर देते हैं, चंदा कर रहे हैं, तुम्हें इतने पैसे देने और फिर जिम्मेदारियां लगा देते हैं, तुम्हें कोयले लाने मसाले लाने, तो इसकी क्या शरीयत हैसियत है? बेटा ये शरीयत बार से जायज ही नहीं है, हमारे मौलवी बताते ही नहीं है, खुद तो चंदों में लगे हुए, हमारे नौजवान नस्लों को भी चंदों में लगा दिया। अच्छा। जायज नहीं है बेटा, जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। उस्ताद मोहतरम फिर तो हमारी पार्टी में आप कुछ भी नहीं खा सकते। क्यों बेटा? ये सारी पार्टी चंदे पे हुई है, बताओ इनको। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं बेटा, उसका कैमरा ऑन था ना, अभी कैमरा ऑन खाने दो, सब जायज है बेटा। बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद मोहतरम हूँ, बोटी तो बोटी गिरा दो, अच्छा पार्सल भी दे दो, थोड़ा सा दे दो आप।